Assalamu alaikum and welcome to my channel My Neuro Hub. This is me, your teacher Sanobar, and I'm going to teach you neuroanatomy here. Neuroanatomy is a subject that people find very difficult in the first year of their medical universities. So I am here to make an easy approach for you guys to study neuroanatomy. So सबसे पहले हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए उसकी बेसिक्स पढ़ते हैं. सो हम बेसिक्स नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. So today's in lesson will be a discussion of definition of nervous system, classification of nervous system, brain and spinal cord, and the further details in general. So let's move on to our first lesson. Nervous system is by definition is a command system of our body. It is a system that involves spinal cord, brain, neurons and nerve fibers, which together functions with each other to provide impulses to the body. So here are we doing first of all the classification of nervous system over here. So classification of nervous system kuch is tarah se hoti hai ki it is basically divided into two parts. एक सेंट्रल पार्ट होता है इसका जिसको मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ CNS, और एक पेरिफेरल पार्ट होता है इसका जिसको मैं नाम यहाँ दे रही हूँ PNS. सेंट्रल बेसिकली एक हर चीज का एक सदर होता है, एक मेन एरिया, एक बीच का मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जिस तरह से कंप्यूटर में CPU होता है, इसी तरह से आप कंसिडर कर लें, इसी तरह से इसको सेंट्रल कहा गया है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो भी चीजें हैं वो पेरिफेरल में काउंट होंगी. पेरिफेरल उसको इसलिए कहते हैं, पेरिफेरी मतलब थोड़ा सा दूर उससे, डिस्टेंट अवे. तो CNS के बाद जो भी चीज बचती है वो PNS है. एनी इम्पल्सिस कमिंग टूवर्ड्स द CNS एंड लीविंग द CNS कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ PNS. तो यही सारा CNS जो है इसके अलावा जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हेड में आता है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, विच इज ब्रेन एंड द अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द सेंट्रल पोर्शंस ऑफ आवर बॉडी, बेसिकली मेन एरियाज हैं जो कि हमारी बॉडी के सारे चीजों को कंट्रोल कर रहे होंगे. कंट्रोल PNS के ऊपर इसका होता है. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो आते हैं हमारे पास वो एक आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम. ये ब्लू से ही हो रहा है तो हम इसको ब्लू से ही कर लेते हैं. और एक आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. बाय द नेम ऑटोनॉमिक से थोड़ा थोड़ा ऐसा समझ आ रहा है कि ये कोई ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिक हो रहा है. तो हम इसे डिफाइन इस तरह से करते हैं कि सोमेटिक जो है वो वॉलंटरी कामों के लिए होता है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में हो. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरल की हेडिंग में आ रहा है वो है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जिसे मैं यहाँ नाम देती हूँ इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी के अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा हार्ट रेट. ये हमारे कंट्रोल में नहीं है पर डेफिनेटली बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो इसे कंट्रोल कर रहा है. इसी तरह से आ जाता है हमारी रेस्पिरेटरी रेट. लेकिन इनवॉलंटरी जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके भी दो पार्ट्स हैं, इसके भी दो सब डिविजन्स हैं, विच आर बेसिकली कि एक वो इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारे फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में एक्टिव होता हो, जिसे हम यहाँ कह देंगे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. सो दिस इज जो फाइट ऑफ लाइफ सिचुएशन में, लाइक ड्यूरिंग अ कार एक्सीडेंट या बर्गलर्स को देख के जो हमारे अंदर एक हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, एड्रेनलिन बढ़ जाता है बॉडी में, तो उस वक्त जो हमारे सिस्टम एक्टिवेट हुआ है वो सिंपथेटिक ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है. सो और जो रेस्टिंग पोजिशन में है, जैसे वेन वी आर ईटिंग फूड या स्लीपिंग पोजिशन आप कह लें, उसमें हमारा एक्टिवेट होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम. जो जहाँ पे वो वाला पैरासिम्पथेटिक, दैट मींस के
हम खाना खा रहे हैं उस वक्त हमारा रेस्पिरेटरी रेट कंट्रोल हो रहा है, हमारा जो हार्ट रेट कंट्रोल हो रहा है, दैट कम्स अंडर द हेडेक ऑफ पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो ये एक इसकी जनरल क्लासिफिकेशन है. अब हम आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की तरफ. मैं आपको इसका रफ सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी, फिर हम चलेंगे अपने ग्रीन बोर्ड की तरफ. इसमें हम आपको पिक्चर्स एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड? इट्स बेसिकली ये जो हमारे क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी के अंदर एक बड़ा सा फोरामेन होता है, जिस लार्जेस्ट फोरामेन है क्रेनियल कैविटी का, इसका नाम है फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम से एक कैनाल जा रही है बेसिकली ब्रेन की जो सेरेब्रल एक्विडक्ट होती है वो नीचे. मैं आपको बताऊंगी जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज सेरेब्रल एक्विडक्ट. वो कंटिन्यूस होती है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में. वहाँ से एक पूरा चैनल आ रहा है जो हमारे पूरे वर्टेब्रल कॉलम तक, वर्टेब्रल कॉलम के थ्रू आउट मूव हो रहा होता है. दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. और एक पोर्शन आता है जहाँ पे ये थोड़ी सी टेपर डाउन जो होना शुरू होती है, खत्म नहीं होती, टेपर डाउन होना शुरू होती है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, दिस इज टेपरिंग. एक चीज चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसका डायमीटर रिड्यूस हो रहा है, दिस इज टेपरिंग डाउन. तो टेपरिंग डाउन होना शुरू होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोनस मेडुलरिस. ये कोनस मेडुलरिस कहाँ होता है? जो थोरेसिस रीजन होता है हमारी वर्टिब्री, थोरेसिस वर्टिब्री होता है, लोअर, सबसे लोअर थोरेसिस वर्टिब्री होता है, उसके लोअर पोर्शन पे यहाँ पे ये टेपर डाउन होना शुरू होती है. ये आप कह रहे फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा के ऊपर, विच इज द सेम थिंग. तो यहाँ से कॉनस मेडुलरिस स्टार्ट होता है, इस पॉइंट पे ये टेपर डाउन होना शुरू होगी. अब मजीद यहाँ से इसका डायमीटर कम होगा और ये बिल्कुल पिन पॉइंट हो जाएगी. यहाँ पे जाके कॉकेक्स वर्टिब्री स्टार्ट होना शुरू हो जाती है एक अडल्ट स्पाइनल कॉर्ड में. इस पोर्शन को कहते हैं फाइलम टर्मिनल. यहाँ पे इट एंड्स. ठीक है जी. ये इसकी एक रफ ड्राइंग हो गई. अब हम चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड की तरफ और आपको मजीद इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे. सो गाइज, वी आर हेडेड टू आवर ग्रीन बोर्ड. और यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे आपको दो मुश्किल मुश्किल पिक्चर्स नजर आ रही होंगी. इनकी लेबलिंग से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम इसे बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट की तरह से आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे. सो दैट्स इट बिकम्स इजी फॉर अस. सो इन द फर्स्ट पिक्चर आई कैन सी हियर ब्रेन, और इसके बीनीथ यहाँ पे सेरेब्रम का पोर्शन दिया हुआ है. यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. दिस पोर्शन, ये वाला जो पॉइंट है, ये फोरामेन मैग्नम है. फोरामेन मैग्नम से ये ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट नजर आ रहा है. तो यहां से फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड और इट रन्स डाउन थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम. एंड देन ब्लू शेडेड पार्ट इज एक्सप्लेनिंग हियर कि यहाँ पे थोरेसिस वर्टिब्रे खत्म हो रही है. एंड इमीडिएटली लोअर पोर्शन ऑफ द लास्ट थोरेसिस वर्टिब्रे विच इज मेंशन हियर T12, यहां से कोनस मेडुलरिस स्टार्ट होता है. और फिर मजीद नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इसका बिल्कुल पतली डायमीटर पे आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड, और इस पोर्शन को कहते हैं फाइलम टर्मिनल. फाइलम टर्मिनल पे हमें फर्स्ट कॉक्सीजियल, फाइलम टर्मिनल के बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉक्सीजियल वर्टिब्री नजर आती है. इसी पिक्चर के अंदर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी रूटलेट्स नजर आ रही हैं, ये स्पाइनल रूट्स होती हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट फर्दर इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर के अंदर मजीद एक क्लोजअप सा लुक दिया हुआ है इसका. कोनस मेडुलरिस है और कोनस मेडुलरिस के नीचे यहाँ पे इस पोर्शन पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो नर्व निकल रही है अब ये क्योंकि T12 के नीचे मौजूद होता है तो अब स्टार्ट होगी हमारी फर्स्ट लंबर वर्टिब्री. और फर्स्ट लंबर वर्टिब्री के साथ जो भी एक नर्व मौजूद होगी वो फर्स्ट लंबर स्पाइनल नर्व कहलाएगी. इसीलिए इसको यहाँ पे सर्कल हाईलाइट करके एक्सप्लेन किया गया है. और यहीं पर ही फाइलम टर्मिनल को भी सर्कल हाईलाइट किया गया है और फाइलम टर्मिनल के नीचे फर्स्ट कॉक्सीजियल वर्टिब्री स्टार्ट हो रही है. सो अब ये एक जनरल इसका स्ट्रक्चर था. इसके इनर पोर्शन से कहाँ से नर्व्स निकलती हैं, क्या होता है, ये भी हम आपको अभी बताते हैं.
इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारी चीजों को सर्कल हाईलाइट किया गया है अपनी पेंसिल किया है अपनी पेंसिल से। इससे इनर कोर होता है और फिर ये इसकी आउटर चीज है जो मैंने आपको बता दी। इनर कोर के अंदर ये होता है कि बेसिकली एक ओवॉइड से स्ट्रक्चर है ये, और इसका एक पोस्टीरियर पार्ट है। डेफिनेटली एनाटॉमी में एक 3D जो स्ट्रक्चर्स चल रहे होते हैं, कौन सी नर्व कहाँ है, पोस्टीरियर एंटीरियर वेंट्रल डॉर्सल, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसकी पोस्टीरियर साइड है, इसकी एंटीरियर साइड है। हमेशा आपने याद रखना है कि जो भी एंटीरियर साइड है वहाँ पे मिडलाइन में एक फिशर टाइप, एक ग्रूव टाइप चीज़ बनी हुई होगी, और ये क्योंकि मिडलाइन में होता है इसलिए इस पोर्शन को कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। और जो पोस्टीरियर साइड होगी वहां पे जस्ट एक पॉइंट सा सल्कस सा बना हुआ, इट्स नॉट द ग्रूव, इट्स जस्ट अ सल्कस। इसे कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। इस पॉइंट को मैं आपको एक दूसरी पिक्चर में भी ये चीज दिखाऊंगी। ये एक रफली ओवॉइड सा स्ट्रक्चर है, इसके दरम्यान में मैंने इसे शेड किया हुआ है कि एक एच शेप पोर्शन होता है जिसे मैंने पेंसिल से शेड करके बताया है कि ये ग्रे मैटर है। इसके अंदर इनर साइड पे ग्रे मैटर होता है और आउटर साइड पे व्हाइट मैटर होता है। ब्रेन के अंदर यही चीज ऑपोजिट होती है, इनर साइड पे व्हाइट मैटर होता है, आउटर साइड पे ग्रे मैटर होता है। तो व्हाइट मैटर इसीलिए व्हाइट मैटर कहलाता है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं उसके जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको न्यूरोग्लिया, उसमें फैट कंटेंट कम है, लिपिड कंटेंट कम है। बट ग्रे मैटर के अंदर जो व्हाइट मैटर के अंदर जो न्यूरोग्लियाज हैं जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे हैं उनमें फैट कंटेंट ज़्यादा है, लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स कास्टिंग मोर वाइटर शेड देन द ग्रे मैटर। ठीक है, इसीलिए बस इसे स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंट नेम दे दिया है। अब जाहिर सी बात है पोस्टीरियर पोर्शन पे जो भी नर्व्स पोर्शन निकल रहा है ये इसकी पोस्टीरियर रूट है, यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी तरह से एंटीरियर साइड पे जो रूट निकल रही है ये इसकी एंटीरियर रूट है। दोनों ही रूट जब निकल जाती हैं तो फिर मर्ज हो जाती है और मर्ज होके ये बनाती है स्पाइनल रूट। और इस स्पाइनल रूट को सिर्फ हम स्पाइनल रूट नहीं कहते, ये जिस लेवल पे होगी, जिस वर्टिब्री के लेवल पे होगी उसे उस वर्टिब्री के हिसाब से नाम देके, जैसे फर्स्ट नंबर स्पाइनल नर्व, सेकंड नंबर स्पाइनल नर्व, फर्स्ट थोरेसिस स्पाइनल नर्व, इस तरह नाम दे देते हैं। पोस्टीरियर रूट के अंदर एक और खास बात यह होती है कि ये एक जगह से बल्ज आउट हो जाती है। इस बल्ज आउट ये जो हो रही है ये एक गैंग्लियन है बेसिकली, जिसे कहते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन एज द नेम सजेस्ट। यहाँ पे बहुत सारी सेंट्रल और स्पाइनल नर्व्स की फाइबर्स निकलते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्व की फाइबर सॉरी। यही चीज जो एंटीरियर रूट गैंग्लियन इस तरह का एंटीरियर रूट में नहीं होता, इट्स ओनली इन द पोस्टीरियर। इसके अलावा आप पोस्टीरियर साइड पे लेबल हुआ है, बेसिकली तो ये थ्रू आउट होता है। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसको कुछ ना कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने सपोर्ट करने के लिए बनाई हैं, और वो मेनिंजीज हैं। मेनिंजीज के तीन पोर्शंस होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरिथेनॉइड मैटर, पाया मैटर। यू कैन सी दिस ग्रीन पोर्शन इज ड्यूरा मैटर, इसके बीनीथ एक ब्लू पोर्शन है जो अरिथेनॉइड मैटर है, और इस अरिथेनॉइड मैटर के अंदर नीचे की तरफ एक पोर्शन होता है बीनीथ इट, इट्स अ स्पेस। इस स्पेस के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कुशनिंग इफेक्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है और सपोर्ट करता है, मजीद सपोर्ट करता है, जिस तरह से वाटर सपोर्ट करता है। इस सब अरिथेनॉइड स्पेस के अंदर ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, हमारे पूरे CNS के अंदर, ब्रेन के अंदर भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी। एंड देन अगेन कम्स द थर्ड लेयर जो कि इसके इनर कोर के बिल्कुल साथ चिपकी हुई है, विच इज पिंक इन शेड, ये कहलाती है पाया मैटर। सो ड्यूरा मैटर, अरिथेनॉइड मैटर एंड पाया मैटर ऑल टुगेदर आर कॉल्ड मेनिंजीज। और हम इसी के साथ आपको मजीद इसे एक्सप्लेन करते हैं ये वाली पिक्चर रख के। ओके, सो हम ये प्रीवियस पिक्चर्स हटा देते हैं और आपको ये बताते हैं जो मैंने एंटीरियर मीडियन फिशर आपको एक्सप्लेन किया था। यू कैन सी दिस पोर्शन, आप अभी ये वाले पोर्शन को छोड़ दें, ये वाले पोर्शन पे आए, ये स्पाइनल नर्व है और आप देख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर रूट है,
और पोस्टीरियर रूट से जो बल्ज हो रहा है, कभी भी इस तरह की पिक्चर हो एंड यू आर आस्क्ड टू लेवल इट, तो जहां पे बल्ज आउट पोर्शन हो रहा होगा वो पोस्टीरियर पार्ट कहलाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये पोस्टीरियर रूट है और ये जो बल्जिंग आउट सा पार्ट है ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है, ये एंटीरियर रूट है, यू कैन क्लियरली सी। इसके अलावा आप इस फिशर से भी पहचान सकते हैं कि इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड कौन सी है। फिशर कहाँ पे? फिशर वाइट मैटर की तरफ, जो अंदर से ग्रूव जैसा बन रहा है, दिस इज एंटीरियर मीडियम फिशर, क्योंकि मीडियम साइड पे है तो उसको एंटीरियर मीडियम फिशर कहते हैं। और पोस्टीरियर साइड पे ये रहा आपका, मैंने पेंसिल से सर्कल हाईलाइट किया हुआ है, पोस्टीरियर मीडियम सर्कस। ग्रे मैटर जो जाहिर है एंटीरियर साइड पे भी आ रहा है, पोस्टीरियर साइड पे भी आ रहा है, इसलिए जो एंटीरियर वाला पार्ट है इसे एंटीरियर ग्रे मैटर कह दिया है और जो पोस्टीरियर वाला साइड है इसे पोस्टीरियर ग्रे मैटर कह दिया है। ये रहा पोस्टीरियर ग्रे मैटर या पोस्टीरियर ग्रे कॉलम यू कैन ऑल्सो से। इसी तरह से व्हाइट मैटर को इस तरह से नाम दे देंगे, जो लेटरल साइड पे है उसे लेटरल व्हाइट कॉलम या लेटरल व्हाइट पोर्शन कह दिया गया है। और ये इसका साइड से एरिया दिखाया गया है, विच इज द सेम थिंग। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर लेबल हुई हुई है जो कि यू कैन क्लियरली सी, कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक छोटी सी कैनाल जा रही होती है, बिल्कुल एच शेप जो ग्रे मैटर बना हुआ है इसके अंदर बिल्कुल बीच में एक कैनाल जा रही होती है, इसे कहते हैं सेंट्रल कैनाल। ये सेंट्रल कैनाल इसके हायर लेवल मतलब जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक कैनाल जा रही होती है सेरेब्रल एक्यूडक्ट। ये एक्यूडक्ट से कंटिन्यू होके जब स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू हो रही होती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। सो फार अब हमने इसकी डिटेलिंग इस तरह से पढ़ ली है, अब हम इसको समराइज करेंगे। जब भी हम कोई भी टॉपिक या कोई भी आर्टिकल लेके बैठे हैं, क्योंकि हम अभी स्पाइनल कॉर्ड को लेके बैठे हैं, तो वी आर सपोज इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू ऑलवेज एंड ऑलवेज समराइज। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, लेट अस नाउ समराइज दिस ऑल ऑन आवर व्हाइट बोर्ड। So we are here on our whiteboard. We are summarizing what we have studied so far about the spinal cord. I have jotted down few points. The first point states it is a roughly cylindrical structure beginning from a foramen magnum in cranium and is continuous with medulla oblongata of brain terminating at lower border of first lumbar vertebrae. The second point states it is surrounded by meninges, dura mater, pyometer, arachnoid mater. CSF provide further production in the subarachnoid space. Anteriorly, it has deep longitudinal fissure called anterior median fissure. अब ये जो anteriorly बता रहे हैं ये spinal cord की position की anteriorly नहीं है, ये inner core के अंदर जो anterior की साइड है, ये बेसिकली इनर कोर को अब एक्सप्लेन कर रहे हैं दो पॉइंट्स, कि एंटीरियरली इट हैज एंटीरियर मीडियम फिशर और पोस्टीरियरली इट हैज शैलो सर्कस विच इज कॉल्ड पोस्टीरियर मीडियम सर्कस। इट हैज 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। एंटीरियर रूट्स आर कॉल्ड मोटर रूट्स आल्सो। व्हाई? बिकॉज एंटीरियर रूट्स आर मोटर इन नेचर, मतलब जो भी हमारी मोटर इम्पल्सिस होंगी वो एंटीरियर रूट्स की तरफ से होंगी। And the posterior roots are sensory in nature, which are going to sense from the peripheries of our body. So, इसीलिए उसको sensory roots भी नाम दिया गया है। दोनों की दोनों roots जो है वो spinal nerve से rootlets के तौर पे attach हुई भी होती है, as I mentioned before. Posterior root has posterior root ganglion, और posterior root ganglion से निकलते हैं central and peripheral nerve fibers. There is an inner core of egg-shaped grey matter and outer core made up of white matter. So, इस तरह से हमारे spinal cord के general features explain हो चुके हैं. And now we are heading to our green board again. So, इस तरह से हमारा आज का पहला lesson summarize हुआ है और आपको हमारा lesson समझ आया, हमारी teaching style समझ आया. तो kindly like कीजिए और subscribe कीजिए हमारे channel पे. Thank you.